हेलो फ्रेंड, मैं हूं मास्टर सोनू और आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फ्रेंड ये तलवार है और आज आपको बताने वाले हैं मैं तलवार चलाने के तरीकों को, ठीक है। तो तलवार चलाना सीखे पार्ट टू, ये दूसरी पार्ट हम आपको बना रहे हैं। और आपके बेहतरीन तलवार के जो लोग शौकीन हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर बहुत अच्छा लगा, आप नेक्स्ट आगे का भी आप इसका स्टेप बता दें। तो चलिए मैं आगे भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, मैं एक एक स्टेप इसका बताने वाला हूँ आपको कैसे कैसे तलवार को चलाएंगे। तलवार एक बहुत ही बेहतरीन वेपन्स है, तो चलाना ज़रूर आप सीखें, बहुत ही फेमस चीज़ है, ठीक है। तो सभी को अभ्यास करना चाहिए, तलवारबाजी कैसे सीखना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, ठीक है। और आप बहुत जगह परफॉर्मेंस, कहीं आप पूजा पाठ बोर्ड में भी देखते होंगे कि जब वो पूजा हुआ, अखाड़ा पूजा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप देखे होंगे उसमें जो अखाड़ा उठता है उसमें बहुत लोग तलवार भी चला के दिखाता है। तो तलवार कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग किए रहते हैं, सीखे रहते हैं, तभी ऐसा परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड आप लोग भी वीडियो को ज़रूर देखते रहे, दोस्तों वीडियो को आप देखेंगे तो ज़रूर ना कोई स्टेप आपको मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि चलिए मैं एक एक स्टेप आपको स्टार्ट करता हूँ, बट थोड़ा सा आप याद रखें कि अगर आपने पहला स्टेप नहीं देखा है तो ऊपर में आई बटन आ रहा है उसमें फर्स्ट स्टेप मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और उसमें भी तलवार चलाने का पहला मैंने उसमें दे दिया है और बहुत सारा नानचाकू फिटनेस स्टंट की वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाइए वहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कर देंगे, आप अपने दोस्त को शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तलवार को मैंने पकड़ने के लिए पहला वाला पार्ट में ही आपको बता दिया था कि तलवार ऐसे पकड़ना है कि ऐसे पकड़ना है, तो दोनों ट्रिक मैंने आपको बता दिया था। इसमें आपको क्या करना, तलवार को ऐसे पकड़ लेना है। और अब आपको स्टेप नंबर वन दिखा रहे हैं, ट्रिक नंबर वन, जब आप तलवार ऐसे पकड़ेंगे तो किसी को सामने अगर आपको तानना होगा तो लाइक दिस, ये है ना, कैसे किया ध्यान से देखिए, ये है ना, तलवार को पहले क्या करना, बचाव की पोज में पहले आप लेंगे ऐसे, और फिर वही तलवार आप सामने को दुश्मन को देखते हुए पहले हल्का तानेंगे, हल्का सा देखिए ध्यान से, पहले पीछे से लिए, फिर तलवार से गले के पीछे करेंगे और हाई अटैक कर देंगे, फिर सेम दूसरा हाथ यहाँ से सट दे, ये आया और ये यहाँ पे लिया और ये मार दिया, फिर दूसरा हाथ वहाँ रखा और ये चेंज किया और ये हाई, फिर यहाँ से बैक एंड पीछे, तलवार को मैंने बताया आपको पीछे लेना है हेड के पीछे और धार वाले पार्ट की तरफ से अटैक हो, यहाँ से उठाया और ये 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 ठीक है, उठाया और मारा शट जैसे, पीछे जैसे कोई आपको हमला कर रहा है, मान लो मैं ऐसे तलवार लिया था ऐसे और वो मुझे अटैक कर दिया लाठी या डंडा से, तो मैं तलवार को क्या करूँगा, पहले फट ऐसे लगाऊंगा जिस पे तलवार के धार पे उनके स्टिक, उनके डंडा, उनके हाथ या कुछ होगा वो रुक जाएगा, और फिर पीछे करके फिर उनको अटैक कर देंगे, फिर हाथ बदल के फिर ऐसे ब्लॉक करेंगे, फिर ऐसे अटैक कर देंगे। ये चीज़ जो आप स्लो स्लो देख रहे हैं, ये जब चलेगा तो तेज में बहुत स्पीड बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। पहला ट्रिक बता दिया, दूसरा ट्रिक देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, सेकंड ट्रिक भी बहुत यूनिक है, इससे रिलेटेड है। दूसरे ट्रैक में फिर तलवार को आपको ऐसे पकड़ा और ऐसे वन लिया और ये ऊपर लिया, ये अटैक होने के बाद तलवार कहाँ शिफ्ट कर देंगे, साइड को, फिर साइड में यहाँ चला आएगा, ध्यान से देखिए टेक्निकल से, दिस वन दिस अटैक ऑन दिस साइड साइड, फिर उन्हें आप मार देंगे। जो हमने आपको बताया कि तलवार को क्या किया, मैंने एक बार डिफरेंस किया, दिस इज फर्स्ट अटैक देन मूव दिस साइड एंड टर्न मोमेंट योर तलवार एंड स्टेट अपर साइड अटैक, लेकिन सेम चीज वन टू एंड टर्न दिस साइड, जो तलवार का धार जो जा रहा है नीचे उसको हम क्या करें, टर्न करेंगे देन अटैक ऊपर की दिशा में मार देंगे, सेम चीज वन पीछे टू टर्न एंड अटैक ऑन द सेम वन टू एंड टर्न अटैक हो जाएगा, दिस वन टू थ्री अटैक, दिस वन टू थ्री अटैक। तो ये आपने दूसरी ट्रिक देख लिया है तलवार का, अब बारीकी में समझिए तलवार की मोमेंट को कैसे स्पीड में लेने की कोशिश करते हैं। ये तो अगर मान लीजिए आपने तलवार यूं मारा, मैंने पहले स्टेप में सिखाया था, अब इसमें क्या करना, दिस दिस वन टू अन थ्री अन फोर, ये आपको बहुत कम महसूस होगा किधर से किधर जा रहा, कैसे चल रहा है, इतनी सी ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, आप अभ्यास जरूर करेंगे। ये मेरा राइट लेग है, राइट हैंड है और तलवार को राइट हैंड से मैंने पकड़ रखा, बिल्कुल सामने की तरफ से मैं पकड़ रखा, सामने इसकी धार लगे हुए थे, दिस वॉन्ट इज
सामने मारा, जैसे यहां से उठाया और सीधा अटैक दिया। तो दिस वन टू आ गया ना, मैंने बता दिया था, पहले भी बता दिया था फर्स्ट वाली वीडियो में ये वाली स्टेप, बट आपको मैंने कहा था कि दूसरी पार्ट भी हम बताएंगे जिसमें इसको बेसिक चीज नॉलेज होगा। दिस वन टू आया एंड थ्री एंड सीधा यहां पीछे एंड फोर। ठीक है, ध्यान से देखिए, स्टेप बहुत बहुत यूनिक है। दिस वन टू अपने लेफ्ट साइड जा रहा है ये, और ये आ गया यहाँ पे, इसके धार लेते हुए आगे कि अगर अटैक होता तो अरे। ठीक है, तो ये यहाँ से पीछे घुमा, फिर पीठ में यहाँ से टर्न, सीधा थ्री अटैक होल्स। दिस इज पॉइंट, ये थर्ड बहुत ही खतरनाक है। यहाँ से अटैक किया सामने वन टू ऑन दिस थ्री ऑन फोर द बैक। ठीक है, सेम चीज़ बैक में टर्निंग पेसेस में, देखिए बैक से भी दिख जाएगा आपको कि मैंने आगे में ये अटैक किया, अपने आगे अपने बचाया, फिर मैंने साइड में बचाया, फिर मैंने पीठ के पीछे ये लिया, देखिए ये ऐसे, और ये गला के पीछे उठाया और सामने हमला कर दिया। तो ये आपने देख लिया। तीसरा बहुत ही खूबसूरत है, साइड बेसिस पे भी देखिए, ये रखा मैंने साइड में तलवार, ये ऐसे, ठीक है, तलवार के ये बेसिस पकड़ते और ये सामने से लिया, ये यहाँ से जब ये उठाते तो इसकी धार आगे की दिशा में होती, फिर पीछे एक राउंड लिया, फिर दूसरी राउंड यहाँ से टर्न किया, ऑन दिस थ्री हेड के पीछे से अटैक हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप आप आराम से देखिए, वन टू थ्री फोर। ठीक है, ध्यान से देखिए, वन टू थ्री फोर, है ना, वन टू थ्री फोर, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने आपको थर्ड ट्रिक बताया, नेक्स्ट भी आपको स्टेप मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट इसकी थर्ड पार्ट भी आपको जरूर वीडियो रेडी करके भेज दूंगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत सारी फेमस जो वीडियो है हमारी, आपके वाटरमार्क लास्ट में आ रही है, उस पर से आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय एवरीवन।